नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर राजमहल लोकसभा क्षेत्र की मतगणना एवं मतदान से संबंधित है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में इस बार पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। राजमहल लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कुल 12,06,577 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसका मत प्रतिशत 70.78% है। सम्पन्न हुए लोकसभा आम निर्वाचन में राजमहल लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कुल 17,04,671 मतदाता हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 8,51,165 एवं महिलाओं की संख्या 8,53,496 तथा अन्य की संख्या 10 है, जिसमें कुल 12,06,577 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें 5,84,074 पुरुष एवं 6,22,498 महिला एवं अन्य की संख्या 5 है। मतदान के बाद सभी ईवीएम को मतगणना केंद्र पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रांग रूम में राजनीतिक दलों एवं इलेक्शन कमीशन के सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में सील कर दिया गया है। 3 सुरक्षा घेरे में ईवीएम को रखा गया है। साथ ही लगभग 67 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी निगरानी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि सहित प्रशासनिक पदाधिकारी कर सकेंगे। मतगणना के लिए अधिकतम 23 राउंड की गिनती होगी। मतगणना की तैयारी को लेकर एवं अब तक लोकसभा चुनाव में हुई गतिविधियों को लेकर उपायुक्त हेमंत सती ने प्रेस को सारी जानकारी दी। इस संबंध में उपायुक्त ने और क्या बताया, चलिए उन्हीं से सुनते हैं रिपोर्ट। प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक। साहिब, जो कुल मतदान का प्रतिशत है वो 70.78 है। विधानसभा वाइज अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो राजमहल में 67.66%, बोरियो में 66.17%, बरहेट में 69.17, बरहेट में 69.10%, लिट्टीपाड़ा में 74.40%, पाकुड़ में 71.34%, महेशपुर में 78.22% मतदान किया गया। और जो कुल मिलाकर के मतदान हुआ पूरे राजमहल लोकसभा सीट में वो हुआ 70.78%। अब इसमें कुल मिलाकर के जो पुरुष मतदाता जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया उनकी संख्या रही 5,84,074 584074, और कुल फीमेल मतदाताओं की संख्या रही 6,22,498, अर्थात पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं ने अधिक पार्टिसिपेट किया। 9,8,498 कुल मिलाकर के राजमहल लोकसभा सीट के लिए 12,06,577 जो लोग थे उन्होंने मतदान। मतगणना के लिए हमारे पास अलग अलग विधानसभा वार हमने स्ट्रांग रूम बनाए हैं, अलग अलग विधानसभा वार हमने काउंटिंग हॉल्स बनाए हुए हैं। प्रत्येक जो काउंटिंग हॉल है उस काउंटिंग हॉल में टेबल वाइज हमने 3-3 लोगों को रखा हुआ है, काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग एजेंट, काउंटिंग असिस्टेंट, माइक्रो ऑब्जर्वर। इसके अलावा प्रत्येक जो हमारा स्ट्रांग रूम है, प्रत्येक स्ट्रांग रूम में 2-2 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो हमारा काउंटिंग प्रोसेस है एक पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाएगा, जिसमें सभी राजनीतिक जो दलों के कैंडिडेट, इसके अलावा सभी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन सभी पार्टिसिपेंट्स के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो सारे काउंटिंग एजेंट हमारे जो मतगणना स्थल है मतगणना स्थल पर रहेगा, उसका एक प्रत्येक राउंड वाइज जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे मीडिया के बंधुओं को भी दिया जाएगा, जिसके माध्यम से तेजी से जो भी राउंड वाइज पोलिंग हो रही है उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुँचा होगी। 23 राउंड्स की मैक्सिमम गिनती की जाएगी और अधिकतम जो टेबल्स हैं वो पाकुड़ के लिए हैं 20 टेबल्स। सुरक्षा तीन लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है, ये कमीशन का गाइडलाइन है। स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा व्यवस्था 3 लेयर की होगी, एक इनर क्वार्टर होगा जो CRPF के द्वारा या CAPF के द्वारा गाइडेड होगा, मिडिल क्वार्टर होगा जो डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड फोर्स के द्वारा गाइडेड होगा, और उसके बाद आउटर रीजन जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड फोर्स के द्वारा गाइडेड होगा। 3 लेयर की सिक्योरिटी है। 3 लेयर की सिक्योरिटी के अलावा हमारे 64 CCTV का इंस्टॉलेशन किया गया है स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर, उसका बाहर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। तो राजनीतिक दलों के जो कैंडिडेट्स हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, सभी कैंडिडेट्स आज से ही उनका आवासन स्ट्रांग रूम में सुनिश्चित करवा दिया गया है और उनके लिए
स्ट्रॉन्ग रूम का सीसीटीवी का जो विकल्प है वो बाहर उनके लिए प्रोवाइड करवाए। मतदान दिखाई प्रतीत होता है जिसके पीछे वेरियस रीजन हो सकते हैं, जो कि रीजन है जिसमें लोग पलायन कर जाते हैं, बहुत कोशिश की गई रूम रूप में। इसके अलावा कई जगहों पर जो है गर्मी अत्यधिक पड़ने के कारण, उमस के कारण, ये सब रीजन्स रही थी। और लास्ट में तो पर्सनल रीजन होता है, चूँकि वोट डालना व्यक्ति का अपना अधिकार है, तो हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं, हम लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं, बट अंततः जो वोटर्स है उसी को वोट डालना। सर सभी ईवीएम आ चुके हैं और सील हो चुके हैं? सर समस्त ईवीएम आ चुके हैं और सभी स्ट्रॉन्ग रूम में राजनीतिक दलों के जो कैंडिडेट्स हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनके समक्ष उसको सील करा दिया गया है। सीलिंग की पूरी प्रक्रिया को वीडियोग्राफ करते हैं, ऑब्जर्वर प्रेक्षक जो थे वो भी इस पूरी सीलिंग की प्रक्रिया के दौरान।